हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रश्मि सचान और स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आइए रेसिपी देखते हैं। मेरे पास यहाँ उबले हुए मटर हैं कटोरी में और ये कुछ खोया है। खोया इतना नहीं इस्तेमाल होगा और मखाने हैं कटोरी में। देख रहे हैं इतनी इतनी क्वांटिटी में मैंने लिए हुए हैं। खोया 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर हम एक मसाला बनाएंगे। यहाँ प्याज लहसुन का और टमाटर का मसाला नहीं बनेगा, बहुत ही आसान मसाला बनने वाला है। तो मसाला होगा हमारा हल्दी का। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, मिर्च डालेंगे 1/4 चम्मच मिर्च का पाउडर यानी कि स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जाएगा, धनिया पाउडर लगभग 2 बड़े चम्मच जाएगा। तो धनिया मैंने ले ली है और अब यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला। मेरे पास एवरेस्ट का गरम मसाला है, आप कोई भी डाल सकते हैं। इसे हम 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इस डिश का नाम है खोया मटर मखाना। तो अब बस पानी डालकर हमें इसका एक घोल तैयार करना है। पानी डालकर घोल हम पहले तैयार कर लेंगे तो उससे ये आसानी होगी कि सारा मसाला अच्छे से फूल जाएगा। जब हम इसे तेल में पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा एक गाढ़ा मसाला हमें मिलेगा और ये तब तक फूल जाएगा। अगर हम तुरंत मसाले घोल कर डालेंगे तो मसाले जल जाएंगे। तो इस तरह से इसे घोल दीजिए और इसे एक साइड पर रख दीजिए। और अब गैस को ऑन कर लीजिए और एक कढ़ाई या पैन ले लीजिए। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम डालेंगे घी, 1 चम्मच घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। हमें मखाने रोस्ट करने हैं, डीप फ्राई नहीं करना है मखानों को, थोड़े से ही घी में ये रोस्ट हो जाएंगे। इन्हें कुरकुरा होने तक आप रोस्ट कर लीजिए और हम मखाने एक साइड निकाल कर रख लीजिए। दोबारा से हम इसमें 2 चम्मच दो छोटे चम्मच घी डालेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई है। इसे आप घी में बनाएंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा, अदरवाइज़ आप तेल में भी बना सकते हैं। जब गर्म हो जाएगा तेल घी तो हम इसे चेक करते हैं जीरा डालकर। यहाँ मैंने घी के गर्म होते ही जीरा और तेज पत्ता डाल दिया है और इन्हें अच्छे से पका लेते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया से जीरा चटक गया है और तेज पत्ता भी पक गया है। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। और अब हमने ये जो मसाला घोल कर तैयार किया था तुरंत हम इसको डाल देंगे और इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम में हमें इस मसाले को भूना है। अगर आपको लगे कि मसाला अच्छे से नहीं भून पाएगा तो आप फ्लेम को बिल्कुल धीमा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस मसाले को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है पककर, और अगर ज़्यादा पका देंगे तो ये जल जाएगा और सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं मैंने भी इसे काफ़ी धीमी आँच में पकाया है और जैसे ये पक जाएगा तो ये इकट्ठा होने लगेगा सेंटर में और किनारे से तेल छोड़ने लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे अब ये कितना बढ़िया पक गया है, गाढ़ा हो गया और इसने घी छोड़ दिया है। और अब हम इसमें मटर डाल देंगे। मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा अच्छी सी रंगत और कलर के लिए इस सब्ज़ी में। आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं। और अब खोया डाल दीजिए। खोया डालिए 3 से 4 चम्मच, या आप अगर और ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और खोया को अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर दीजिए और खोया को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये जब हम सब्ज़ी को आगे पकाएंगे तो ये उसमें पक जाएगा और खोया पहले से ही पका हुआ है। तो बस इसे मसाले के साथ में अच्छी तरह मिक्स करना है जिससे कि हमें एक अच्छा सा मसाला मिल सके। मटर डाल दीजिए। मखाने हम इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं मखाने कितने सॉफ्ट रहते हैं तो उन्हें पकने में कोई टाइम नहीं लगता। मटर भी उबले हुए हैं तो इन्हें भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहें तो मटर यहाँ कच्चा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर नमक डाल लीजिए आप स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमने मसाले में नमक नहीं मिलाया था। इसे अगर आप कम तीखा बनाएंगे तो ये कुछ कुछ शाही पनीर की तरह टेस्ट करेगा। अब आप इसमें पानी डाल दीजिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में। पानी मैंने यहाँ पर अभी लगभग 150 से 200 ग्राम के लगभग पानी डाला हुआ है। आप ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं, या आपने खोया ज़्यादा डाला है तो आप पानी इसमें और डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी तो रहेगी ही, साथ ही साथ ज़्यादा लोगों को आप सर्व कर पाएंगे। क्योंकि ये पकेगा और फिर मखाने पड़ेंगे तो मखाने ग्रेवी अब्जॉर्ब करते हैं, आप सभी जानते हैं, सोक करते हैं। तो उस वजह से आप इसमें पानी अपने हिसाब से ही डालिएगा। आप चाहे तो और भी कम पानी में इसको आप बना सकते हैं।
अगर राइस वगैरह के साथ सर्व करने वाले हैं तो फिर पानी थोड़ा ज़्यादा डालें और थोड़ा ग्रेवी अच्छी तरह बनाएं, खोया भी डालें थोड़ा ज़्यादा। अब इसे आप पकने दीजिए लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, और जितना मन चाहा आपको चाहिए गाढ़ा पतला आप उतना इसे पका सकते हैं, लेकिन आप इसे 5 से 7 मिनट ज़रूर पकाइए जिससे कि ग्रेवी को अच्छे से खोए के साथ पकने का टाइम मिले। और सबसे लास्ट में हम डाल रहे हैं ये मखाने। जब आपकी सब्जी बिल्कुल तैयार होने वाली हो उसके 2 मिनट पहले ही आप मखाने डालिएगा, क्योंकि मखाने बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर लेंगे ग्रेवी, और इतनी गर्म ग्रेवी में पड़ेंगे तो ये तुरंत ही पक जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और बस अब लास्ट में आप इसमें कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से रगड़ कर डाल दीजिए, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ये ऑप्शन भी स्किप कर सकते हैं, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सभी कसूरी मेथी का टेस्ट जानते होंगे, अगर आप डाल देंगे तो इसमें एक अलग ही जायका आ जाएगा। और बस सब्जी तैयार है। थोड़ा सा इसे ठंडा कीजिए, सब्जी तैयार है और आप इसे सर्व कर सकते हैं।